सो हेलो, क्या हाल है भाई सबके। हाँ जी सो, बहुत डेज बाद ठीक है वीडियो बना रहे हैं आज। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस थे वीडियो ना आने के, मेरे जो सीधा फेस पर अभी लाइट पड़ रही है। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं गाइस। टुडे ठीक है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक मेरा फेवरेट है ठीक है, काफ़ी लोगों को लाइक जो भी यूके आना चाहते हैं या फिर यूके में हैं ठीक है, उनको अपडेट रहना लाइक कि ठीक लगता है, हमें फील होता है कि हाँ हम फ्यूचर प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ठीक है मैं आपको वेदर एज वेल एज कोविड की क्या सिचुएशन है अभी यूके में ठीक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम वेदर की। तो धूप अभी आप देख रहे होंगे ठीक है, हाईलाइट्स आपने देख ली होंगी एंड धूप तो ऑलरेडी आप मेरी काफ़ी वीडियोज़ में देखती होगी। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ठीक है। तो जब मैं आया था अभी सितंबर इनटेक में, उसके बाद ठीक है वैसे तो ऑटम चल रहा होता है लेकिन मेनली विंटर ही मान लेते हैं ठीक है, कि विंटर के सीज़न में मैं आया था। जब से मैं यूके आया हूँ गाइस ठीक है, मेरा वेदर का एक्सपीरियंस जो रहा है ना, आई रियली लव यार, मतलब कि सोचा नहीं था कि इतना अच्छा वेदर होगा यूके का। बिकॉज मैंने सुना था बारिश होती रहती है, धूप नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा स्नो होती है ठीक है, लाइक कि सब कुछ ख़राब हो जाता है, माइंड ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन यार आई रियली लव दैट ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और कंट्री में लाइक कि अभी मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ ठीक है, हाय मैं मर गया ये वो गया, लाइक होता था मुझे पहले था कि मैं क्या करूँगा यार, क्योंकि मुझे विंटर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन यूके की विंटर्स ने सच में मेरा दिल जीत लिया ठीक है। अभी आप देख सकते हो एक क्लियर कट वेदर निकला है ठीक है, धूप निकली है एंड ठंड जो मेरा एक्सपीरियंस था ठीक है, ठंड अभी जा रही है ठीक है, एक आधा मंथ और रहेगी। तो मैं कह रहा था कि ठंड जो है अभी है ठीक है, वैसे मैंने कपड़े ज़्यादा पहने नहीं हुए, आपने देखा होगा मैंने वीडियो बनानी थी यार, मैंने मेरा कोट जो था वो अंदर रह गया, मेरे पास की नहीं थी, अभी मैं पीछे विंडो से जाऊंगा अंदर तो वेयर करूंगा। लेकिन ठीक है अभी ठंड ज़्यादा लग नहीं रही एंड अभी बादल वगैरह निकले हुए हैं। तो टेम्परेचर की बात ठीक है सबसे पहले हम करते हैं, जो टेम्परेचर रहता था ठीक है वो माइनस में एक बार ही मेरे सामने गया है ठीक है, स्नो वगैरह भी पड़ी है तब भी कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन जो लास्ट मंथ थे ठीक है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यार 5 के आसपास रहता था ठीक है, 5 सेल्सियस, ज़्यादा माइनस नहीं जाता था ठीक है एंड ज़्यादा कम लाइक होता नहीं था। तो जो टेम्परेचर था वो 5 के आसपास रहता था जो मैंने देखा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो था 11-12 तक भी पहुंच जाता। अभी मैं यू मार्ट में आया हूँ, वो सामने आप देख सकते हो, वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद मतलब मैं एक बार जाऊँ फिर आपसे मतलब आपको बताता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, हमारे अंकल हैं ठीक है, मेरी पाकिस्तानी है, मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं, हम कम आते हैं यहाँ पर लेकिन हमें जानते हैं एंड चलो मतलब सामान वगैरह लेते हैं, अभी धूप भी हटी ठीक है आँखों से। हाँ जी सो मैंने लिया है एक हेयर ऑयल, वैसे मैं ये वाला यूज़ नहीं करता। हाँ सबसे पहले ये बता दूँ, मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में ये है कि यू मार्ट, ये है इंडियन पाकिस्तान लाइक कि एशियन सामान ठीक है भाई, ए टू जेड मिल जाएगा आपको, कोई भी मिठाई आपको लेनी है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन एंड उसके बाद कोई भी इंडियन प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो ए टू जेड आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ओके तो अभी मेन बात करते हैं, वेदर की बात कर रहा था। तो आई वाज सेइंग लाइक कि जनवरी के मिड में भी गाइस ठीक है 11 सेल्सियस तक टेम्परेचर जो चला जाता था, लाइक अभी अभी भी ठीक है आज 9-8 है एंड मैंने जस्ट इनसाइड मेरे की जो होती है एक टी शर्ट ही वेयर की, लेकिन ठीक है मतलब कि अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा जाने लगा है। एंड उसके बाद जो डे की बात है तो डे बहुत ही छोटे हो गए थे इन दिसंबर ठीक है भाई, तो वो क्या होता था कि मतलब 4 बजे अंधेरा हो जाता था कम्प्लीटली, 4 बजे आपको डे तो देखेगा ही नहीं ठीक है, दिन की रोशनी तो होती नहीं थी 4 बजे। लेकिन अभी 6 बजे तक जो डे होता है कि 6 बजे तक अभी दिन होता है एंड कह रहे हैं कि समर्स में ठीक है 9-10 बजे तक जो है दिन रहता है एंड दिन जल्दी होता है, लाइक ये उगता है ठीक है, सूरज जल्दी उगता है, रातें छोटी हो जाती हैं। तो अच्छा है यार, आपको मज़ा आने वाला है ठीक है भाई, अगर किसी को आना है एज कंपेरिजन कैनेडा ठीक है, मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है इस टाइम भी एंड यूके से पहले ही वहाँ पर स्नो स्टार्ट हो गई थी एंड अभी भी वहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपको अगर इन्जॉय करना है यूके में आकर ठीक है, विंटर स्पोर्ट्स भी मिल जाएगा, समर स्पोर्ट्स भी मिल जाएगा एंड अभी क्रिकेट वगैरह भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी धूप जो है अभी निकला करेगी ठीक है एंड मज़ा आया करेगा, विटामिन डी होता है मे भी ठीक है वो लिया करेंगे। तो नाउ
वेदर के बारे में लाइक और कोई अपडेट तो मतलब होगी नहीं अकॉर्डिंग टू मी, बस अभी समर चल रही है, बाकी मेरी वीडियोस आएंगी तो उसमें आप वेदर देख लिया करोगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कोविड सिचुएशन, तो कोविड का सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट है इसको रीड कीजिए, ठीक है। मैंने आज सुबह ही ठीक है ये अपडेट ली है यानी कि ये न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है, जो न्यू अपडेट्स हैं। एक मिनट, मेरे पीछे से रोशनी आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा आगे जाकर घर पर ही आपसे बात करता हूँ। ओके सो गया। हाँ जी, तो कोविड की सिचुएशन भी अच्छी है, ठीक है, कोविड ऑलमोस्ट गया है, ठीक है। ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं करता कोई, ठीक है। पहले था जनवरी में मास्क वगैरह अलाउ कर दिया था, हम यूनिवर्सिटी जाते थे तो मास्क वेयर करना कंपलसरी था, बसेस में मास्क कंपलसरी, एंड काफ़ी जगह ठीक है, काफ़ी चीज़ों में मतलब कि आपकी जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होती थी वो मांगते थे, ठीक है, तभी आपको बैंक वगैरह में एंट्री मिलती थी या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन ठीक है, आप देख रहे हो कि अभी आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म ठीक है ज़रूरी है अगर आपके कोविड वैक्सीन लगी हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो क्वारंटीन है वो कंपलसरी नहीं है, आपको कंपलसरी क्वारंटीन तभी है अगर आप पॉजिटिव आते हो कोरोना के टेस्ट में, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव आओगे तभी आपको ठीक है क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको क्वारंटीन की कोई भी ज़्यादा नीड नहीं है। अभी सिचुएशन वैसे भी ठीक हो जाएगी क्योंकि विंटर्स में ही जब आता है कोरोना, समर्स में तो ठीक है ठीक हो जाता है। नाउ सिचुएशन इज़ वेरी नाइस एंड हम यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, ठीक है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, परसों जाना है, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। सेकेंड सेमेस्टर मेरा चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर होपफुली क्लियर हो गया था एंड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट डे मैं जाऊँगा, ठीक है, उसकी वीडियो में आपको बताऊँगा। एंड आज की वीडियो में जस्ट यही आपको अपडेट देनी थी एंड काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाली थी तो सोचा कि चलो आज वीडियो डालते हैं। वेदर बहुत 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 अच्छा हो रखा है, फ़ोटोज़ वगैरह का भी मूड हो रहा है तो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या भाई फ़ोटोज़ ही करते हैं एंड मिलते हैं आपको एक अच्छी सी और वीडियो में। तब तक के लिए गाइस सी यू, बाय बाय।